नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारी इस होटल में दो बहुत अमीर गेस्ट आए हुए हैं। ऐसा खाना बनाना कि तबीयत हिल जाए, समझा? और तुम उस होटल का मालिक हो? हाँ। बड़ा कटिया होटल है ये, दिन दिहाड़े लोगों को लूटता है। क्या बकवास करता है? बकवास? और मैंने तंदूरी मुर्गा मंगवाया था, पैसे तो तूने पूरे लिए, मगर मुर्गे की एक टांग थी। तो मुर्गे की एक टांग होती है क्या? वो देख। ये देख। ऐसी सीटी उस तंदूरी मुर्गे को भी मारता, वो भी दूसरी टांग निकालता ना। चल जा यहाँ से। कटिया आदमी। सर, दोनों को मैंने पूरा होटल दिखा दिया, लेकिन सर वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, कहाँ है वो? बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जन्नत। मरहब्बा, मरहब्बा। तुम्हारा होटल तो एकदम खूबसूरत लगती है। हमारा सुल्तान को ऐसे ही जगह छुट्टी के लिए मांगती है। ए रफीक, तुम हमको ये बताओ, तुम एक महीने के लिए ये पूरा होटल हमको दे सकती? क्या, एक महीने के लिए पूरा होटल? सुल्तान का 20 बेगम और बाकी सब गुलामों के लिए। 20 बेगम साथ में लेकर चलती, 30 हरम में होती, यानी 50। अगले साल 10 निकाह और करने वाली, 60। तुम सिर्फ हमको ये बताओ कि तुम हमको होटल दे सकती कि नहीं दे सकती? दे सकती ना, गायको नहीं दे सकती। रूम का किराया 5,000 होगा। ओए खबीस, तुम क्या बात करते, हम तुमको $4,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। मैं तो 5,000 रुपए सोच रहा था, ये तो $4,000 यानी 2,00,000 रुपए रूम का किराया। एक खबीस, इतना पैसा तो हम यूरोप और अमेरिका में भी देती। अरे तुम हमको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती तो हम भी तुमको देती। तो हम भी तुमको देते, अगले जुमेरात को $5,00,000 हम तुमको देती पेशगी, लेकिन होटल का कमरा, टॉयलेट, लॉबी सब कुछ चकाचक मांगती। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, इसकी माँ का पूरा होटल रिनोवेट करा। लाहौल ब्लॉक हुआ, दिल्ली वाला ज्वाला, उसामा बिन लादेन, ये होटल के सामने किसका मजार होती? अच्छा वो, अरे नहीं नहीं, वो मजार नहीं है, वो टूटा हुआ रिसोर्ट है। नहीं नहीं नहीं, ये तो कब्रिस्तान दिखती, सुल्तान इधर नहीं रह सकते। तुमको मालूम, सुल्तान को आगे पीछे आजू बाजू सब तरफ खूबसूरती मांगती। तुमको मालूम, सुल्तान की एक बेगम के मुंह पे पिंपल होती तो सुल्तान ने पूरा मुंह के प्लास्टिक सर्जरी कर देते। रफीक, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, खत्म शूट, खत्म शूट, खत्म शूट। मेरी बात तो सुनो, अरे वो सरदार जी, मेरी बात तो सुनो, वो रिसोर्ट में रिपेयर करवा दूंगा ना। क्या, वो रिसोर्ट तुम रिपेयर कराएगी? क्यों? तोड़वाया भी तो हमने था ना। क्या, तुम तोड़वाया था? नहीं, एक्चुअली मैंने नहीं, वो तोड़फोड़ में मेरे बड़े भाई साहब का हाथ था। तुम्हारा वो तोड़फोड़ भाई किधर है? अभी तो वो जेल में है। वो क्या हुआ, तोड़फोड़ के टाइम वो एसीपी को लाफा, वो जाने दो वो सब। एक हफ्ते के अंदर है ना, मैं रिसोर्ट आपको एकदम चकाचक करके दे देता। ठीक है, तो हम भी तुमको एक हफ्ते के बाद ही एडवांस देगी, चकाचक। सलाम वालेकुम। खबीस, सत श्री अकाल। अभी अभी माशाल्लाह, तुमने काम तो बहुत ठीक किया, मगर सामने वो जो छत है ना, वो खाली खाली बहुत खराब दिखती। एक काम करो, तुम्हारे होटल में वो जो कांच का बड़ा सा झूमर है ना, वो वहाँ लगा दो। तो फिर हमारा होटल का छत खराब नहीं लगती? उसका फिक्र नहीं करने की, सुल्तान जहाँ भी रहती वहाँ डायमंड का झूमर लगा देती। डायमंड का? पहले अपने होटल का झूमर इधर लगाओ। डायमंड का भाव मालूम है क्या तुमको? चौपीस हरक्यूलिस। ये दरवाजा भी बहुत खाली खाली लगती, इधर तुम्हारे जैसा चौपीस अगर जरा खूबसूरत लगवाती। हाँ, दो चार लगा दीजिए उसमें क्या। शाबाश, तुम इतना मेहनत करती, सुल्तान तुमको एक तेल का कुआ गिफ्ट करेगी। तेल का कुआ? गर्मी में इतने सारे बजे तलूंगा। और पेशगी? पेशगी जुम्मे की रात को मिलेगी। चलो बिरादर। थैंक यू सरदार जी। यस, स्टाइल में रहने का। एक्सक्यूज मी सर। क्या है? सर, मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स खत्म किया और मैं नौकरी चाहता हूँ। यहाँ कोई नौकरी वोकरी नहीं है। सर, मैं कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट था। मैं गोल्ड स्मगलर था। तो सेक्रेटरी, वकील को फोन लगाओ। जी महाराज।
रानी जी। मैडम जी, वकील को बुलाने की क्या जरूरत है? इस होटल में हमारे खिलाफ खून की साजिश की गई है। मैडम, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक। मैडम, मैं अभी आपकी आइसक्रीम बदलवा देता हूँ और आपका सारा खाना होटल की तरफ से बिल्कुल मुफ्त। अरे यार, ये मैनेजर है कि डैमेजर? नहीं मतलब, डोंट माइंड, ऐसे तो ये होटल बिकवा देगा तुम्हारी। अरे ठीक ही तो कर रहा है। अरे वो केस करेगी तो मेरा होटल भी बिक जाएगा और घर भी। अरे क्या ठीक कर रहा है सर, डोंट माइंड, लेकिन अपना अपना स्टाइल होता है। अगर मैं होता ना तो महारानी बिल भी भरती और टिप भी देती। अच्छा, अगर तू सक्सेसफुल हुआ ना तो वो मैनेजर को मैं लात मार के निकालेगा और तुझे मैनेजर रख लेगा। प्रॉमिस? बाप प्रॉमिस। वॉच मी। प्लीज हमारे प्लीज फोन मत लगाइए भाई साहब, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। तुम पुरानी पहचान है हमारी, मैं इनको समझा दूंगा, आप जाइए प्लीज। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, जाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ महारानी होगी वही महाराजा होगा ना। पुलिस को बुलाना है? बुला लेते, पर्स में बड़े कांच के टुकड़े भी दिखा देते। आबदा। कौन सी भाषा है भाई? जनकपुर। क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्यों हमारे आगे आती हो? देखो, यहाँ से भी मैं तुम्हें सलामती से जाने दूंगा। इज्जत से ये बिल दे दो, अच्छी सी टिप रख दो और मुस्कुराती हुई निकल जाओ। रख दूंगी। गुड। अब दबदा, अभी तू भी जा, इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। हाँ। अरे यार, तूने तो कमाल कर दिया, तू आदमी है क्या? कौन, क्या बात की उनसे? सर ये मत पूछिए सर, राजा हो या प्रजा मैं सबको ऐसे ही मैनेज करता हूँ। वेरी गुड, आज से तू इस होटल का मैनेजर। थैंक यू सर। और मैं? तू बेकार। नहीं 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 सर, इनके पेट पर लात मारकर मैं अपना पेट नहीं भरना चाहता, इन्हें कोई और पोजीशन दे दीजिए। ओके, जा तू लॉन्ड्री मैनेजर। थैंक यू सर। थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। देखा, इनकी तो ये चालू हो गई, हमारी वो बंद हो जाएगी। हाँ, होटल चालू हो गई, हमारी बोलती बंद हो जाएगी, और क्या। अरे हमारे हाथ से तो वो भी गई। कौन? ससुर जी, देख लिया ना, शर्त तो याद है ना? शर्त? हाँ, अब तो मिल सकते हैं ना हम आपकी बेटियों से। और सुनो, पता है ना सुंदरी मुंदरी को कहाँ भेजना है? तुमने तो सामने वाले मजार का दीदार ही बदल दिया। हमारे सुल्तान अगर इधर आएगी तो तुम पे कुर्बान हो जाएगी। अरे तुम्हारी सुल्तान एक बार इधर आएगी ना, फिर बार बार आएगी, देखना। एक्सक्यूज मी सर, तुमको कहीं देखी है हम शहजादा? मेरे को नहीं देखा होगा सर। एक मिनट, जरा आप साइड में आएंगे, एक मिनट। क्या है सर? ये सुल्तान और बुखारा यहाँ आ रहा है सर, ये लीजिए। देखिए मेरा रेजिग्नेशन। क्यों सर? ये सुल्तान सुल्तान नहीं, शैतान है। क्या बात कर रहा है? हमारा पागल दीवाना है। डोंट टेल मी। हाँ सर, 20 बेगम और गुलामों के साथ आता है। दो साल पहले जब मैं मलेशिया में था ना, तो वहाँ के होटल के मालिक ने गलती से उसकी 13 नंबर की बीवी को घूर लिया था, तो उसने उसकी आंखें निकाल ली। क्या? हाँ सर, और पिछले साल अभी मैं जब जकार्ता में था तो सुल्तान को ठंडा सूप दे दिया गया, तो उसने वहाँ के मालिक को गर्म तेल की कढ़ाई में डलवा दिया। मैं नहीं मानता। मत मानिए, खुद एक्सपीरियंस कर लीजिए। अरे जिंदा बच्चों के साथ बुशकाशी खेलता है। बुशकाशी क्या है? खुदा गवाह, देखी थी? हाँ, 3 बार। पठान लोग घोड़े पर दौड़ कर आते हैं, दबड़क 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 दबड़क, पर मरे हुए बकरे को भाले से उठाते हैं, जिंदा बच्चों को उठाता है। बाप का राज चलता है क्या? अरे बाप का राज ही चलता है सर, तेल के कुएं उनके पास। जिस देश में जाते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को एक कुआ गिफ्ट कर देते हैं, फिर कहाँ का कानून और कहाँ का रूल। सर मेरा रेजिग्नेशन लीजिए, फिर भले वो आपकी आंखें निकाले, आपको तेल में तले या आपके बच्चों के साथ बुशकाशी खेले, मुझे नहीं करनी है। मुझे भी जिंदा रहना यार, ऐसा कस्टमर मुझे नहीं चाहिए, बुशकाशी नहीं चाहिए ऐसा। ओए खबीस, तुम ऐसे कैसे बुकिंग नहीं देगी? आए हमारा शेख इधर आएगी, तुम्हारे साथ बुशकाशी खेलेगी, बल्कि उससे पहले हम तुमको गोली मारेगी। एक मिनट सर, ये क्या कर रहे हो? तुम बीच में बोलेगी, हम तुमको भी शूट करेगी, हम तुमको नहीं छोड़ेगी, निकल बाहर। देखा, सुल्तान का ट्रेलर इतना खतरनाक है तो वो कितना खतरनाक होगा। ओए खबीस का बच्चा, बुशील का माफिक, अंदर क्या चुपती है, बाहर निकल, या तो गोली खाएगी या बुकिंग देगी। लेकिन पहले इसको बाहर निकालो। कुछ पैसे हैं? पैसे कितने? अरे ज्यादा नहीं, 40-50 हजार रुपए, इसका मुंह बंद करना पड़ेगा ना। 50,000? अरे जिंदा रहे तो और कमा लेंगे यार। बाहर निकल बुशील, आज या तो बुकिंग देगी या गोली खाएगी, निकल। हम बाहर आती आती सुल्तान भाई,
तक आई हम रिश्वत नहीं लेती हमको बुकिंग मांगती हमको बुकिंग मोहब्बत का तोहफा है सुल्तान हमको बुकिंग मांगती सर प्लीज प्लीज ये रख लीजिए प्लीज प्लीज आप रख लीजिए ओके ओए खबीस का बच्चा अगर आज ये बच्चा नहीं होती तो आज हम तुमको गोली मार देते भी भूलूंगा ये रख ले ये रख ठंडा भी पिला राम खोर ने हमने जो होटल रिपेयर किया उसको फिर चालू कर दिया इसको तोड़ फोड़ के मैदान बनाना पड़ेगा अरे क्या कर रहे हो साहिबा जी जाकर अपने भाई के साथ जेल में बैठना है क्या थोड़ा अकल से काम अकल से काम लेना अपना काम नहीं कोई बात नहीं मेरी अकल किस दिन काम आएगी क्या गोवा का सबसे अच्छा होटल क्यों साहिबा जी सही है ना इंडिया का सबसे अच्छा होटल अच्छा एशिया का सबसे अच्छा होटल ये ले दुनिया का सबसे अच्छा होटल कोई बात नहीं देखता हूँ इसको जात का पैदा मान इस गली का सबसे अच्छा होटल अबे लगा बोर्ड लगा लगा बोर्ड ए शाना बनता है क्या एक दूंगा रख के मुंह पे सो जाएगा जीव पे ए जा जा ब्लू लंगूर हाँ दिखता है सब दिख रहा है ए शाने क्या रख के देगा बे हाँ क्या रख के देगा तू देखा क्या अबे डोले क्या दिखाता है ये पेट देख पेट ये पेट इतना मजबूत है ना तेरे गरम गरम डोले बर्फ के ओले बन जाएंगे चल चल जाने दे जाने अबे चल चल जाने दे क्या ए तू ट्राई करके देख साहिबा जी पेट आगे निकालो बिंदास आगे निकालो मैं बोल रहा हूँ निकालो अबे निकालो शाबाश साहिबा जी हाँ तेरी स्माइल देख स्माइल देख तू हंसता क्या है पूरे दांत बाहर निकाल दूंगा समझा क्या ये दांत में वो बात है जो तेरे हाथ में नहीं है समझा क्या एक मिनट देखा डेंटिस्ट का खर्चा बता दिया ये तो ऐसे भी तुड़वाने थे खोपड़ी है बॉस हमारे बॉस के पास खोपड़ी है तो अब मैं इसकी खोपड़ी फोड़ डालता हूँ हाथ फ्रैक्चर करवाना है अबे ये खोपड़ी नहीं हेलमेट है ट्राई करके देख साहिबा जी खोपड़ी आगे लाओ नहीं नहीं बस बस अरे नहीं साहिबा जी इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी तुम लोग मेरी औकात मुझे दिखाओगे एक मिनट रुका ₹300 अरे ये क्या यहाँ एक आदमी का 600 वहाँ एक आदमी का 300 चलो वहीं चलो आ जाओ आया सब लोग अरे यार ये सब लोग तो उधर जा रहे हैं यार हाँ साले ने पूरा लंच ₹300 में कर डाला ना जाकर तोड़ डालते साले को रुक जा यार अरे उसका हाथ थोड़ा भारी है लेकिन सर ये जो खाना पका हुआ है उसका क्या करेंगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अरे भाई सुनो तुम्हारा थोड़ा नुकसान मैं कम करा सकता हूँ तुम हाँ मैं क्या है कि हमारे होटल में अचानक बहुत सारे गेस्ट आ गए और खाना तो हमने उतना पकाया नहीं है तुम्हारे पास तो काफी खाना बचा हुआ होगा क्यों तेरी वजह से ₹200 पर प्लेट देना है बेवकूफ समझाएगा मेरे को हमारा ही खाना हमारे कस्टमर को बेच के हर प्लेट पे तू ₹100 कमाएगा दे दो सर दे दो 200 तो 200 आ ही रहे ना बचा हुआ खाना खाकर कुत्ते और डुक्कर तो पैसे देंगे नहीं दे दो सर दे दो लेकिन अपनी नाक नीचे नहीं हो जाएगी नाक और टांग दोनों ऊंची रहेगी ए पहलवान ए हम लोग कमाने के लिए खाना तुम्हें नहीं बेच रहे बल्कि तुम हमारी दर पर आ रहे हैं इसलिए तुम्हारी मदद कर रहे हैं ले जाओ खाना तुम भी क्या याद करोगे किसी दिलदार दुश्मन के साथ पाला पड़ा था ले जाओ क्या फिर क्या होना था उसी का खाना उसी को बेचकर इसने ₹100 पर हेड प्रॉफिट बनाया ऐसा होगा तो उनका तो होटल ही बंद हो जाएगा अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जितना हमारा होटल हफ्ते में कमाता है ना इसका होटल सिर्फ शनिचर की रात को उतना कमा लेता है वो कैसे अरे शनिवार की रात को वो लड़कियों से कैबरे करवाता है ना तुम ऐसा
किसी जगह नौकरी करते हो? पता नहीं नौकरी छोड़ो ये। अरे पगली, शनिवार की रात को मैं आंखें बंद करके नौकरी करता हूँ। डांस वांस ये सब बंद करवा देना चाहिए, ये सब गैर कानूनी है यार। ए पागल, वो ऊपर तक सेटिंग होती है, समझी क्या? तेरी ऊपर की सेटिंग करूँ क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, लेकिन हमें इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ, यार बहुत टाइम हो गया हमने फॉर्मूला नंबर 36, 24, 36 नहीं यूज किया। वो क्या है? वो ही 36, 24, 36। डांस बंद कर देते। क्या बकवास कर रहा है, डांसर सी कमाई पे तो होटल चल रहा है, वो भी बंद कर देंगे तो कमाएंगे क्या? साहिबा जी, मैं सिर्फ शनिवार की रात को डांस बंद करने को कह रहा हूँ, ताकि सामने वाले की होटल हमेशा के लिए बंद हो जाए। ओके सर। देखो, हम हमारे होटल के यहाँ डांस नहीं रखवाएंगे, और सामने वाले की होटल के बाहर डांस का बोर्ड मार के आएंगे। यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ तो डांसर होंगे ही नहीं, तभी पब्लिक भड़क जाए, और उस पब्लिक में बैठे हमारे पत्थर उन्हें और भड़काएंगे, और फिर तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, क्या बोलते हो? तेरी शक्ल इंसान की और खोपड़ी लोमड़ी की है। तू शक्ल से उल्लू और अकल से गधा है। कुछ कहा नहीं सर, बियर सर पी लीजिए। आज डांस ब्लू लागू में, चलो चलो नहीं डांसर्स होंगे, चलो चलो। हेलो, हाँ क्या हुआ? पब्लिक भड़क गई है साहिबा, मैनेजमेंट का हालत बहुत खराब हो गया है। इन लोग के पास तो सारा डांसर्स है ही नहीं। अब बबाल शुरू कर दो, और जैसे पब्लिक भड़क जाए ना, तोड़ फोड़ डालो उसकी माँ का, फोड़ डालो। ए लड़की को लेके क्यों जा? अबे देख क्या रहे हो, मारो। अबे तेरी टकले, लड़की को पकड़ कर उधर मार, उधर मार। मैडम, अबे तू क्यों हिल रही है, खुजली हो रही है? अरे मोनिया, अबे तेरी साइज देख, उसकी साइज देख, उसको पकड़ जा। छापू क्या? अबे तेरी तो ले जाओ सबको हॉस्पिटल।
अरे मैनेजर, तेरी जात का, तेरे को होटल तोड़ फोड़ करने भेजा था ना, तूने अपने आदमी को फोड़ डाला, अभी फोड़ू क्या तेरे को? किसने कहा आपको? किसने कहा क्या? वो कल्लू को तूने ऐसा घुसा मारा, इतना बड़ा कांच का दरवाजा तोड़ के वो बाहर गिरा, और वो अपना सुखदेव उसको तूने खुर्ची उठा के ऐसा मारा, सीधा बार काउंटर पे गया, बार काउंटर उसके ऊपर, और क्या, और राजू को तूने ऐसी लात मारी कि वो अलमारी से टकराया और कांच का सामान उसके ऊपर। तो इसमें क्या समझे आप? समझने का क्या है? अरे क्या यार साहिबा जी, आपके मुसंडे आपका खाना खाते दो दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस तोड़फोड़ में उसका कितना नुकसान हुआ वो तो सोचो, कम से कम 10-15 लाख का फटका मारा मैंने उसको। छोड़ो ना यार साहिबा जी, आप भी तुम भी यार। अरे यार आदमी के कौन, चलो नुकसान में भी नफा करवाता है। फिर हाँ वो देखो ना वहाँ, कल तक जहाँ हसीनों के घने बालों जैसी हरियाली छाई हुई थी, आज वहाँ टकलू के टकले जैसा वीराना है। गोवा का सबसे अच्छा होटल। अरे गोवा का सबसे बड़ा खंडर। ये हंस क्यों रहा है? बर्बादी के गम में पागल हो गया। ये कौन है यार? ये इंश्योरेंस वाले लगते हैं। क्या हुआ सर? हमने डिस्को के पूरे नुकसान का जायजा ले लिया। सर हमको इंश्योरेंस का कम से कम 50 लाख रुपया भुगतान तो देना ही पड़ेगा। 50 लाख? अरे 4 दिन पर इंश्योरेंस क्या है, 12 दिन क्लेम देना पड़ेगा। पहले से ही इंश्योरेंस करवा के रखा। अब क्या करे सर, डिस्को तो नया फिर से बनाना ही पड़ेगा, उसमें बेल्जियम से कांच का बारीक सामान, अमेरिका से चकाचक डिस्को लाइट्स, लंदन से क्वालिटी साउंड सिस्टम, ढकचिक। देख देख कैसे सुना रहा है। सुना नहीं रहा है, जला रहा है साहिबा जी। इन सब चीजों में पैसे तो खर्च होते ही है ना सर। हाँ लेकिन बनेगा जरूर नंबर वन डिस्को। क्यों? चलो अंदर चलो साहिबा जी। चलो। अरे बेटा चंटू, मैं और तेरी मम्मी इस उम्र में यहाँ का ये सेट घर बार छोड़कर वहाँ गोवा आकर क्या करेंगे? उम्र तुम्हारी ढली होगी, मेरी नहीं। अरे डैड सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय और उसके बाद बड़ा सा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट और फिर रूम में जाकर आराम। अरे डैड और बाद में स्विमिंग पूल में एक छोटा सा डिप हो जाएगा। मगर बेटा चंटू ये बता, तेरी माँ इस उम्र में स्विमिंग पूल में जाएगी कैसे बेचारी? अच्छा तुम्हारी माँ जाएगी ना पूल में? लो इधर फोन दो। अरे डैड मम्मी को शॉपिंग के लिए भेज देंगे ना। हाँ और फिर इवनिंग में बीच पर हम दोनों एक हेल्दी वॉक के लिए निकल जाएंगे। नहीं नहीं रात को तो मैं आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन विस्की के 2 पैक पिलाऊंगा डैड। अरे चलो बेटा 2 पैक तो ठीक है, लेकिन पैक जरा पटियाला होना चाहिए, डबल। हाँ हाँ चखने के लिए भी कह दो ना। थैंक यू बेटा, जरा चखने का भी इंतजाम रखना। हमने इतनी मेहनत से इतनी लगन से अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आप हम पे गर्व कर सके डैड। अरे डैड आप एक बार आइए तो सही। हाँ बहुत आराम मिलेगा। अरे अच्छा डैड मैं आपको मेन चीज तो बताना भूल ही गया। अरे आपके लिए मैंने एक सरप्राइज तैयार रखी है। कैसा सरप्राइज? हाँ आपके आने के बाद ही बताऊंगा आपको। जी सरप्राइज है। अच्छा काटता हूँ, गोवा टू बॉम्बे बहुत महंगा पड़ रहा है। बाय बाय बाय। ओके बेटा बाय। मेरा बेटा गेरे 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 साहिबा प्यार क्या बात है साहिबा जी, आज बड़े मूड में हो, सीधा नाइट लैंप से ट्यूबलाइट। अरे जब से वो कमीने ने सामने होटल खोला है ना, तब से धंधे की तो सारा वाट लगी पड़ी है, लेकिन आज बड़े दिनों बाद एक अच्छा टूरिस्ट ग्रुप आ रहा है। साला पहले क्यों नहीं पता चला, वरना वो ग्रुप को सीधा चंडू की होटल पहुंचा देता। कहा? नहीं सर वो आ कौन रहा है? अरे वो मुंबई के कॉलेजेस की कुछ कॉन्फ्रेंस है, वो लोग आ रहे हैं। अरे आजा आजा जल्दी जल्दी जल्दी। वेलकम टू गोवा। वेलकम मैम, वेलकम, आइए प्लीज आइए। वेलकम सर, आइए प्लीज सर आइए। बंटू इसकी माँ की जय, ये खजूर कहाँ से आ गया? हेलो सर, सरप्राइज, तुम टाई बहन के यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये हमारे होटल का मैनेजर है, आप इसे जानते हैं? जानता हूँ, अरे ये मेरे कॉलेज में तो पढ़ा करता था। अरे पढ़ते थे, हम सबको पढ़ाते थे ये दोनों मिलके। अरे कोठारी अच्छा हुआ तुम मिल गए, वो बॉम्बे से गोवा तक तुम सबको मैं जिनके कारनामे सुना सुना कर हंसाता था ना, वो चंटू बंटू
वो यही तो है बंटू। अच्छा अच्छा। हेलो। अरे लेकिन बंटू वो अपना चंट चंटू कहाँ है? सर आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, बाद में बात करेंगे हम लोग। यानी यही पर है ना वो? नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? था वो एक दोस्त अपना। अरे क्या बात करते हो, चंटू के बारे में बताया नहीं इसने आपको? अरे दोनों की बिल्ला रंगा की जोड़ी थी। अच्छा, कभी जुदा हो ही नहीं सकती। कमाल का चूना लगाते थे दोनों। चूना? सर क्या बात कर रहे हैं? अरे तुम्हारी तारीफ ही तो कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ मास्टर थे दोनों। आपको कहेंगे दाढ़ी बना रहा हूँ और आपको कभी टकला करने के पता भी नहीं चलेगा। खड़े खड़े आदमी को पोपट बना दे। सर रहने ना, जो बीत गई सो बीत गई, वो अब क्या। अरे हाँ लेकिन वो है कहाँ? नहीं वो तो कहीं और, वो नौकरी कर रहा है वो। क्यों नहीं, यहाँ पे तो एक ही आदमी की जगह थी ना तो। हाँ। अरे तो दूसरी जगह बनाओ। हाँ। ये तुम्हारे सेठ है ना? हाँ। साहिबा। सर देसाई। मैं एक आइडिया देता हूँ, मिलियन डॉलर आइडिया। आप अपने रिसोर्ट में एक और जगह बनाओ और चंटू को वहाँ अपॉइंट करो, और फिर देखना साहब, ये चंटू बंटू दोनों एक बार मिल गए ना तो गोवा के दूसरे सारे रिसोर्ट्स को ताला लगवाकर आपका रिसोर्ट टॉप पे पहुंचा देंगे। क्या बात कर रहे हो? गारंटी। लेकिन इसने कभी बताया नहीं किसका कोई दोस्त है। देखो जाओ जाओ, उसके जरूर बुलाओ। नहीं वो पता नहीं कहा है, बहुत दिनों से मिला नहीं मेरे को। अरे नहीं नहीं नहीं, पैसे वैसे की फिक्र मत कीजिए। अरे चंटू, अरे सुनो, अरे बंटू, अपना चंटू तो वहाँ है। ए चंटू, अरे चंटू, चंटू, चंटू। कौन वो? अरे वही वही वो बॉडी बिल्डर, मटन की दुकान। अरे नहीं नहीं, वो हमारा जानी दुश्मन है, वो इसका दोस्त कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मजाक कर रहे हैं ना आप मजाक कर रहे हैं। नहीं वो चंटू है, वो इसका दुश्मन कैसे हो सकता है? दोनों मिलकर किसी की गेम कर रहे होंगे। क्या बात, क्यों बात कर रहे हो आप? बंटू सच सच बता दो, किसका कल्याण कर रहे हो? हमारा। देखा? नहीं साहिबा। क्या चंकू राजा राम अस्पताल? तेरी तो मैंने कुछ रोचा किया क्या? रोचा नहीं, लफड़ा किया। तू तेरे को जल्दी नहीं किया? क्या बात कर रहा है यार, तेरी चाल कहाँ गया? बहुत बड़ा लूटा मार दिया। साहिबा को पता लग गया कि हम दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। तो उसका मुंह बंद करना चाहिए था ना? अरे बहुत कोशिश की यार, मगर बुढ़ा भाया गया था, कंट्रोल में ही नहीं आया। अरे तो साले का गला दबा देना चाहिए था। अरे अब जो हो गया सो हो गया, ये सोच को ये साहिबा को कैसे कंट्रोल करे? तू जा, मैं देखता हूं। हां ऐशो, तू जा, तू जा मेरे भाई, तू जा। देख इधर से ना, पूरा फोन तो देखा है, तू भी साला उसके साथ मिला हुआ है ना? तेरी मार साले को। आज तेरा गेम